तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने क्रिकेट का कोई नया बैट लिया या फिर कोई खिलौना लिया, लेकिन आपका दोस्त अपने पेरेंट्स को जाकर जिद करता है कि उसे भी आपके जैसा क्रिकेट का बैट या फिर खिलौना चाहिए? तो सिमिलर सस केस यहाँ पे भी है, जहाँ पे ये जो जिद्दी बच्चा है वो गूगल है और उसे चाहिए ChatGPT। बट क्यों? तो हुआ कुछ ऐसा कि दिसंबर मंथ में गूगल ने अपने कंपनी में एक कोड रेड अनाउंस किया, जिसका बेसिकली मतलब यही है कि कोई बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच या फिर थ्रेट है कंपनी के रिलेटेड। तो गूगल ने ऐसा किया क्यों? एंड यहाँ पे होती है ChatGPT की एंट्री। तो हुआ कुछ ऐसा कि OpenAI ने ChatGPT को 30 नवंबर लास्ट ईयर लॉन्च कर दिया पब्लिक के लिए फ्री में, जिसे कोई भी फ्री में यूज कर सकता था। एंड उसके बाद क्या हुआ ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ChatGPT को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे एंड सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर्स तक गेन कर लिए थे ChatGPT ने, जो कि फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी को सालों और महीनों लग गए थे। एंड इसी को देखने के बाद गूगल ने अपनी कंपनी में कोड रेड को अनाउंस कर दिया, क्योंकि उन्हें एक थ्रेट फील हुआ ChatGPT से, क्योंकि लोग ChatGPT को बहुत ज़्यादा यूज करने लग गए थे गूगल की जगह पे। और अगर आपको ChatGPT के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जहाँ पे मैंने टॉप 10 फैक्ट्स बताए हैं ChatGPT के, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है, किस किस ने इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रखा था, कब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और ये कैसे काम करता है और फ्यूचर में ये कैसे काम करेगा। तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और ऊपर मैं कार्ड में भी लगा दूंगा। अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर देख सकते हो या फिर कार्ड पे भी क्लिक करके देख सकते हो। ChatGPT की इस पॉपुलरिटी को देखने के बाद गूगल ने कोड रेड अनाउंस कर दिया और सुंदर पिचाई गूगल के CEO ने एक कम्प्लीटली नई टीम बनाई और उस टीम को एक टास्क दिया कि उसे भी एक ChatGPT की तरह ही एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि ChatGPT की तरह ही परफॉर्म करेगा और उसके साथ कम्पीट करेगा, क्योंकि ChatGPT की पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लोग अपने हर काम के लिए ChatGPT को यूज़ करना स्टार्ट कर चुके थे, जैसे कि अगर किसी को वीडियो की स्क्रिप्टिंग करनी हो, SEO करना हो, ईमेल राइटिंग हो, एप्लीकेशन लिखना हो या फिर किसी भी होमवर्क को करने के लिए लोग अभी ChatGPT को यूज़ कर रहे थे। एंड गूगल का भी थ्रेट फील हुआ कि लोग ChatGPT को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं इंस्टेड ऑफ गूगल, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जिसने कि OpenAI के ChatGPT प्रोग्राम पे ऑलरेडी $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है, उसने ChatGPT को अपने बिंग सर्च इंजन में इंटीग्रेट करने की बात कर रखा है और उसने ये कहा है कि वो अपने बिंग सर्च इंजन में ChatGPT को इंटीग्रेट करेंगे। एंड अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक इवेंट रखा है जहाँ पे वो डिस्कस करेंगे कि वो ChatGPT को कैसे बिंग सर्च इंजन में इंटीग्रेट करेंगे और OpenAI के बाकी टूल्स को अपने माइक्रोसॉफ्ट टूल्स में, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, MS पावरपॉइंट हो गया, जहाँ पे वो क्लिप आर्ट या फिर कहीं पे वर्ड पे अगर कोई ऐसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है, तो इन सब के लिए वो OpenAI के टूल्स को यूज करेंगे और ChatGPT को भी अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। तो इन सबको डिस्कस करने के लिए उन्होंने अभी रिसेंटली एक इवेंट अनाउंस किया है। सो आई गेस आपको पता लग गया होगा कि अगर ChatGPT को बिंग सर्च इंजन में इंटीग्रेट कर दिया गया तो ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है गूगल के लिए, जहाँ पे अगर लोग बिंग सर्च इंजन को ज्यादा यूज करेंगे और गूगल को कम यूज करेंगे तो। और इसलिए गूगल भी अपना एक AI चैटबॉट ChatGPT को कम्पीट करने के लिए बनाने में लगा हुआ था। एंड इसलिए आज गूगल ने BARD को अनाउंस कर दिया, जो कि ChatGPT के साथ कम्पीट करेगा। तो BARD क्या है? BARD एक AI चैटबॉट है ChatGPT की तरह ही, जहाँ पे आप अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरीज डालते हो तो पूरे इंटरनेट से डाटा को कलेक्ट करके आपके लिए कस्टमाइज ह्यूमन लाइक आंसर देता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो BARD कोई नई चीज़ नहीं है, ये गूगल के ही एक AI प्रोग्राम लैम्डा का लाइटर वर्जन है, जिसके ऊपर गूगल सालों से काम कर रहा था और इसीलिए गूगल के लिए ये काम थोड़ा आसान हो गया BARD को क्रिएट करने के लिए। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लैम्डा प्रोग्राम है यही आपके फोन में गूगल असिस्टेंट को संभालता है। सो गूगल कोई नया खिलाड़ी नहीं है इसमें, ये सालों से इस AI प्रोग्राम पे काम कर रहा था, लेकिन अभी ChatGPT की इस पॉपुलरिटी को देख के इन्हें अभी जल्दबाजी में रश करते हुए इस BARD प्रोग्राम को लॉन्च करना पड़ा। एंड फॉर योर नॉलेज मैं आपको ये भी बता दूं कि ChatGPT में जो T है, जिसका मतलब ट्रांसफॉर्मर है, इसे गूगल ने ही बनाया है। ये एक न्यूरल नेटवर्क है जिसकी मदद से ChatGPT जैसे प्रोग्राम वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच में एक सिक्वेंशियल रिलेशन बना के उसका मतलब समझ पाते हैं। नहीं तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर्स और प्रोग्राम्स जीरोस और वंस के अलावा किसी लैंग्वेज को नहीं जानते। एंड BARD को लॉन्च करते समय CEO सुंदर पिचाई ने एक वीडियो भी शो किया सबको, जहां पर उन्होंने एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया था BARD को, जहां पर उन्होंने पूछा था What new discoveries from the James Webb Telescope can I tell my 9-year old about? जिसका मतलब ये था कि James Webb Telescope की कौन कौन सी ऐसी खोज है जो मैं अपने 9 साल के बच्चे को समझा सकता हूँ। एंड जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही इंप्रेसिव थे, जिसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड लोगों ने सेम प्रॉम्प्ट ChatGPT को भी दिया, जहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। एंड यू डिसाइड विच इज बेटर। एंड अगर अभी हम बात करें कि कैसे गूगल ChatGPT को किल कर सकता है, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, उसे देख देकर बताता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे गूगल IO इवेंट को, तो स्टार्ट होता है AI से और एंड होता है AI से, यानी कि गूगल सालों से AI के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। ये ChatGPT प्रोग्राम 2015-16 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले से गूगल AI पे काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है गूगल के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें गूगल के बारे में, तो गूगल का मेन काम है इंडेक्सिंग, ये पूरे इंटरनेट को इंडेक्स करके रखता है। तो एंड इसलिए गूगल इंटरनेट के हर एक पीस ऑफ कंटेंट को इंडेक्स करके रखता है, और इसीलिए उसके पास एक लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा होता है एज कंपैरिजन टू ChatGPT। एंड इसके बाद ChatGPT का एक डिसएडवांटेज भी है, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था, कि ChatGPT का जो
डेटा है वो 2021 तक ही लिमिटेड है, उसकी ट्रेनिंग को उसके बाद रोक दिया गया था, एंड 2022 में क्या क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन गूगल को सब कुछ पता है। वो रियल टाइम में अपने बार्ट को ट्रेन कर सकता है कि उसके पास क्या क्या डाटा होगा, क्या क्या वो कर सकता है, और अभी भी जो हुआ वो बार्ट के पास डाटा रहेगा, लेकिन वो आपके चैट जीपीटी के पास बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो रियल टाइम में काम नहीं करता। उसकी डाटा को 2021 तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इसके बाद गूगल के पास एक और एडवांटेज ये है कि वो बार्ट को बना रहे हैं लैम्डा के प्रोग्राम से, जो कि उसी का एक लाइटर वर्जन है, एंड चैट जीपीटी के पास वो कुछ डाटा एक्सेस नहीं है, लेकिन लैम्डा जो है वो गूगल असिस्टेंट में सालों से यूज़ किया जा रहा है, एंड इसीलिए उसके पास बहुत सारा डाटा है जिससे वो अच्छे से लोगों को सर्व कर सकेंगे जो वो चाहते हैं। इसके बाद एक और मेजर रीज़न ये आता है कि जो गूगल है ये एक ऐड कंपनी है, तो उसके लिए ये फ्री करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से इसे बार्ट को फ्री कर सकते हैं और लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी को ये करना आसान नहीं होगा क्योंकि वो एक ऐड कंपनी नहीं है, और उन्होंने एक अपना नया प्लान भी लॉन्च कर दिया जो कि $20 पर मंथ, लेकिन आपको बार्ट मिलेगा फ्री में। तो आप कौन सा यूज़ करोगे, $20 पर मंथ दे के या फिर आप फ्री में बार्ट को यूज़ करोगे जो कि गूगल के डेटा एक्सेस के साथ आता है? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कौन सा यूज़ करोगे, बार्ट को ज़्यादा यूज़ करोगे या फिर चैट जीपीटी को, एंड अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं उसे ही यूज़ करूँगा जो कि फ्री होगा, मैं उसके लिए बिल्कुल भी पे नहीं करने वाला, मैं उसे जो फ्री होगा मैं उसे यूज़ करूँगा, अगर बार्ट फ्री रहा तो बार्ट को यूज़ करूँगा, और अगर चैट जीपीटी फ्री रहा तो चैट जीपीटी को ही यूज़ करूँगा। बट अभी बात ये आती है कि हम बार्ट को कैसे यूज़ करेंगे। अभी उन्होंने सिलेक्टिवली कुछ टेस्टर्स को चूज़ किया जहाँ पे वो टेस्ट कर रहे हैं बार्ट को, एंड कुछ ही दिनों में ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा जहाँ पे हम बार्ट को भी फ्री में यूज़ कर पाएंगे चैट जीपीटी की तरह ही। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मैंने आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड और बार्ट से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताए, जैसे कि आपको पता चल गया हो कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है एंड कौन किसको किल कर सकता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा, एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा और आपको पता चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।